और महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई अब अगले लेवल पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत के खिलाफ अब ड्रग्स कनेक्शन की भी जांच के आदेश दे दिए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अब से थोड़ी देर पहले ये औपचारिक जानकारी दी है। उनका कहना है कि कंगना रनौत के पुराने दोस्त और अभिनेता शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के एक इंटरव्यू के आधार पर कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र की पुलिस को ड्रग्स कनेक्शन की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक अध्ययन सुमन ने अपने इंटरव्यू में यह बात कही थी कि कंगना ड्रग्स लेती थी, लिहाजा महाराष्ट्र की पुलिस से सरकार ने यह कहा है कि वो कंगना रनौत के ड्रग्स कनेक्शन की जांच करे। आपको बता दें कि इस मामले में पहली घंटी कंगना रनौत की तरफ से बजाई गई थी, जब उन्होंने बाकायदे ट्वीट करके भारत सरकार से, प्रधानमंत्री कार्यालय से यह कहा था कि बॉलीवुड में अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो घुस जाए और सितारों के ब्लड सैंपल लेने लगे तो बवाल हो जाएगा, सबकी जांच होनी चाहिए। यह बात कंगना रनौत ने कही थी और अब मामला खिंचते खिंचते यहां तक आ गया है कि महाराष्ट्र की सरकार, जिसकी तनातनी कंगना रनौत से पिछले कुछ दिन से चल रही है, उसने सीधे सीधे तौर पर कंगना रनौत के खिलाफ ही ड्रग्स मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो पूछताछ कर रहा है उसमें भी खबर आ रही है कि 25 फिल्मी सितारों की लिस्ट एनसीबी ने बना ली है। उन 25 सितारों को समन भेजा जा सकता है, ड्रग्स मामले में उनसे पूछताछ की जा सकती है। हमारे जो विधायक है सुनील प्रभु और प्रताप सरनाईक, इन्होंने विधानसभा में मुझे जो निवेदन आज किया उसके उत्तर में मैंने वहां पे बोला कि कंगना रनौत जो है उसके तालुकात या संबंध जो भी है शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, इनकी दोस्ती थी और अध्ययन सुमन ने डीएनए के एक इंटरव्यू को, डीएनए को जो इंटरव्यू दिया उसमें उसने बताया कि कंगना रनौत ये ड्रग लेती है। और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया, इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी, इस प्रकार का निवेदन आज विधानसभा में मैंने किया। तो सुना आपने, महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख को वो कह रहे हैं कि हमारे दो विधायकों ने शिकायत की, उस शिकायत के बाद हमने तय किया कि महाराष्ट्र की पुलिस को कंगना रनौत के खिलाफ जांच करनी चाहिए। चित्रा त्रिपाठी और आशुतोष मिश्रा हमारे दो सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ आ चुके हैं। चित्रा, मामला शुरू हुआ एक मौत की जांच को लेकर आरोप प्रत्यारोप से, उसके बाद आया ड्रग्स पर, क्या अब लगता है कि यह पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है कि तुम्हारी केंद्रीय एजेंसी अगर हमारे यहां के 25 सितारों के नाम डालेगी तो हम भी जिस सितारे को तुम सुरक्षा दे रहे हो उसके पीछे अपनी पुलिस लगाएंगे, तुम डाल डाल तो हम पात पात। बिल्कुल सही कहा आपने, तू डाल डाल मैं पात पात, जैसे को तैसा, ऐसा लग रहा है कि पूरा एक्शन इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसी वजह से ये तेरा बॉलीवुड ये मेरा बॉलीवुड, इस तरह की भी स्थिति बनती हुई इस वक्त नजर आ रही है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और एक तरह से हास्यास्पद भी पूरा का पूरा मामला कहा जा सकता है। रोहित, विधानसभा के चुनाव वैसे तो इस साल बिहार में होने हैं, उल्टी गिनती वहां पर शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा राजनीति और सियासत अगर कहीं गरमाई हुई है तो वह यही महाराष्ट्र और खासतौर से मुंबई में है। आप सुन रहे हैं एक तरफ यहां के गृहमंत्री किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या अध्ययन सुमन ने हाल में इंटरव्यू दिया और यह पता चला कि कंगना रनौत ड्रग्स लेती थी, क्या इसके पहले उन लोगों को जानकारी नहीं थी, ये अपने आप में बिल्कुल जैसे को तैसा वाली स्थिति पर इस वक्त दोनों ही सरकारें, चाहे हम बीजेपी को देखें वो तंज कसती है इस पर, यहां से संजय राउत वहां पर कंगना रनौत को निशाना बनाते हैं, कंगना रनौत को बीजेपी सपोर्ट करती है, तो कुल मिलाकर सियासत कहीं ज्यादा इस पूरे मामले पर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो बॉलीवुड मुंबई की अपनी एक अलग पहचान है, जो बॉलीवुड
यहाँ की धरोहर है, अब वो इस पूरे मामले में कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है रोहित, देखिए ड्रग्स के मामले अगर खुलते हैं तो जो आम लोगों की मानसिकता है यहाँ की, वो कहेंगे कि देखो जो बड़ी बड़ी मछलियां पैसों के बल पर बच जाती हैं, अब वो शिकंजे में आएंगी। तो इस ड्रग्स के जरिए वो लोग अगर शिकंजे में आते हैं तो जाहिर तौर पर कम से कम आम लोगों के लिहाज से एक अच्छी खबर कही जा सकती है।